नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटे बटन को जरूर दबाएं, ताकि राशिफल रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति पर बना बुधादित्य योग, और इस योग की वजह से कुंभ राशि की सुधरेगी बिगड़ी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर यानी कि 15 जनवरी को बुधादित्य योग बनने से कुंभ राशि की जो बिगड़ी किस्मत थी वे सुधरने वाली है, और इससे भारी धनलाभ भी कुंभ राशि वालों को होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ मुख्य बातें, जैसे कि बुधादित्य योग से कुंभ राशि पर किस तरह पड़ेगा प्रभाव, मकर संक्रांति का पर्व कुंभ राशि के लिए किस तरह रहेगा फायदेमंद, किस तरह रहेंगी इस दिन की नकारात्मक बातें, किस तरह रहेगी लव राशि फल और स्वास्थ्य राशि फल, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में होने वाला ग्रह परिवर्तन सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। अगर इस परिवर्तन की चाल किसी राशि में शुभ है, तो इसकी वजह से उस राशि के व्यक्ति को कई प्रकार के फायदे होते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने की वजह से कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 जनवरी 2020 की रात्र में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर लेंगे, और इस दिन सूर्य और बुध एक साथ होने की वजह से बुधादित्य योग बन रहा है। इस दिन दो शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कुंभ राशियों पर इसका प्रभाव किस तरह रहेगा, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधादित्य योग से कुंभ राशि पर किस तरह पड़ेगा प्रभाव। कुंभ राशि वाले लोगों को इस शुभ योग की वजह से सम्मान में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपका आने वाला समय अति उत्तम रहने वाला है। आपकी योजनाएं सफल रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। पुरानी बातें याद करके आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। प्रेम संबंधों में सुधार आ सकता है। मकर संक्रांति पर बन रहे शुभ योग की वजह से शुभ परिणाम हासिल होंगे। इस राशि वाले लोगों को अचानक धनलाभ प्राप्त के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। घर परिवार के लोगों के साथ आप हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। निजी जीवन बेहतर होगा। आपके द्वारा किए गए कामकाज का आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह शुभ योग बेहद खास रहने वाला है। आप अपने कार्यस्थल में विजय प्राप्त करेंगे। आपको अपने कार्यों का भारी फायदा भी मिलने वाला है। प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सफलता हासिल होगी। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहेगा। आपको अचानक शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से आपका मन आनंदित होगा। घर परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिल सकता है। आप किसी नए कार्य की योजना भी बना सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अचानक आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मकर संक्रांति का पर्व कुंभ राशि के लिए किस तरह रहेगा फायदेमंद। आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आपकी रोकी हुई योजनाएं सफल होंगी। प्रभावशाली लोगों की सहायता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ काम करने वाले लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। रचनात्मक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करेंगे।
उच्च अधिकारियों का पूरा योगदान रहेगा। आप अपनी सभी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करेंगे। आप किसी विशेष कार्य के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। मित्रों के साथ मिलकर आप किसी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के लोगों के साथ धार्मिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल में आपका रुतबा बना रहेगा। इस राशि वाले लोगों को नौकरी के क्षेत्र में तरक्की और आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। आप अपने कामकाज से काफी खुश रहेंगे। आपको बहुत सी लाभदायक योजनाएं हाथ लग सकती हैं। आप अपने निजी जीवन का पूरा आनंद उठाने वाले हैं। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी। इस शुभ योग की वजह से सम्मान में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपका आने वाला समय अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस दिन की नकारात्मक बातें किस तरह से रहने वाली है। अभी आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कम करना और उनकी पूर्ति के बारे में सोच विचार करना चाहते हैं। इस समय को शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप से शांति से गुजरना चाहते हैं। यह पिछले वक्त आपके रिश्तों में होने वाले जटिलताओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। दुनिया की या उन समस्याओं को हल करने के लिए अभी समय सही नहीं है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कम बोलना और लो प्रोफाइल रखना अभी अच्छा विचार हो सकता है। अभी किए गए परिवर्तन और निर्णय भौतिक या अन्य रूप से लंबे समय तक फायदेमंद हो सकते हैं। आप अपने कामकाज से संतुष्ट रहेंगे। आपके मन में किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उनके जीवन में कठिन समय आ सकता है। आपको आपके कामकाज में सफलता हासिल होगी, परंतु आप अपने कामकाज को लेकर कोई भी जल्दबाजी ना करें। मित्रों के साथ अच्छा वक्त व्यतीत होगा। घर परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, जिसको लेकर आप अधिक परेशान रहने वाले हैं। आपको अपने पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सोच विचार करने की जरूरत है। आप कुछ दिनों के लिए कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को भागीदारियों पर नजर रखने की जरूरत है। कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा। यात्रा के दौरान आप अपने सामान पर ध्यान दीजिए, अन्यथा चोरी होने के संकेत मिल रहे हैं। बच्चों की तरफ से खुशखबर मिल सकती है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में संभल कर रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपके कामकाज को नोटिस कर सकते हैं। धन के लेनदेन में आपको सावधानी बन रखनी होगी, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है। आपका आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। आपको अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। अभी सब कुछ भूलकर अपने प्यार और रोमांटिक जीवन पर ध्यान दें। आपका रंग रूप और आत्मविश्वास आपके पॉजिटिव पॉइंट है, जिससे आपको काम में नया रैंक प्राप्त होगा। आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को आसानी से पार कर लेंगे। बस अपने मिजाज को नम्र रखें। आपका जीवन रोमांस से लबलबा रहेगा और आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन भी साबित होगा। पेशेवर मामलों को छोड़कर भावुकता आपके लिए प्रथम पायदान पर हो रहेगी। अब आप सिर्फ अपने पार्टनर की इच्छाओं के बारे में जानना चाहते हैं। इससे आप दोनों कामुक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के करीब आएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है। परिजनों के साथ समय आनंद में व्यतीत होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से मकर संक्रांति पर बुधादित्य योग बनने की वजह से कुंभ राशि की बिगड़ी हुई किस्मत सुधरने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।